हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्टडी इंडिया अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पिछले 6 मंथ का टॉप 100, देख सकते हैं टॉप 100 करंट अफेयर्स का, जो कि अब तक का जितने भी महत्वपूर्ण, आज डेट देख लीजिए 29/10/2018 तक अपडेटेड जितने भी महत्वपूर्ण 6 मंथ का करंट अफेयर्स है वो लेकर के आया हूँ, जो कि आने वाले जितने गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम है उसमें आप लोग बहुत हेल्प होगा। इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखने का कोशिश करो, ठीक है। और भी चैनल पे जो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद इस टाइप का आइकॉन दिखने लगेगा और घंटी के बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, क्योंकि घंटी का बेल आइकॉन ऑन रहेगा तभी चैनल का जितना मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचेगा, ठीक है। क्योंकि मैं इस चैनल में बहुत तरह का स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कराते रहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं चैनल पे, देखिए चैनल पे विजिट कीजिए एक बार, देखिए ये जो 6 मंथ का करंट अफेयर्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया हूँ, 6 मंथ का जो है इससे भी रेलवे में बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। एकदम हूबहू जो है रेलवे का करंट अफेयर्स इस 6 मंथ का क्वेश्चन, ये जो 6 मंथ जो दिख रहा है इससे भी आया है, और ये जो है इसमें ग्रुप डी में भी क्वेश्चन बहुत से आ रहे हैं, इसलिए कंटिन्यू आप लोग इस सेशन में बने रहो। और एलपी के लिए जो है सीबीटी 2 का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सीरीज भी स्टार्ट कर दिया हूँ, देखिए ये जो है टॉप 1, 2, 3, ये जो है सेकंड सीरीज है, थर्ड सीरीज, और इसी तरह से जो है फोर्थ फिफ्थ लेकर के जितना टॉपिक रेलवे प्रोवाइड कराया है, जितना सिलेबस, वो जो टोटल सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ, तो इसीलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहो। और भी एक बात बता देना चाहता हूँ, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हर किसी को फायदा हो, इस चैनल पे अच्छे एंड इम्पोर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाँ देख सकते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिली में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जिसको CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते पर कितने देश ने समझौता किया है, ठीक है। हाल ही में चिली एक जो है कंट्री है, वहां पे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जिसको CPTPP के लिए व्यापक पर और प्रगतिशील पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है, ऑप्शन गिवन है 21, 12, 11 और 20। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने देशों ने जो है CPTPP हस्ताक्षर किए हैं, तो ये 11 देशों में। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, आपको दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 11 देश कौन कौन है, तो देख सकते हैं कनाडा, पेरू, चिली, जापान, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यही जो 11 जो कंट्री है, इन्हीं 11 कंट्री ने चिली में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP में जो है इनको जो है समझौता किया, हस्ताक्षर किया है। और दोस्तों एक बात और याद करा देना चाहता हूँ कि CPTPP का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लो, फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में एसोचैम के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, हाल ही में एसोचैम के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके वर्मा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में जो है आपको बता देना चाहता हूँ, जो करंट में जो है यूके वर्मा को एसोचैम के महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वेनेजुएला में क्रिप्टो करेंसी मुद्रा पेट्रो में के उपयोग के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, हाल ही में कौन सा किस देश ने वेनेजुएला क्रिप्टो मुद्रा पेट्रो के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका कंट्री ने जो है देश के वेनेजुएला क्रिप्टो मुद्रा पेट्रो के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। और एक पॉइंट और भी बता देना चाहता हूँ कि यह एक सरकारी मान्यता विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। वेनेजुएला क्रिप्टो मुद्रा पेट्रो जो है यह सरकारी मान्यता प्राप्त विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दूसरे कार्यकाल के लिए नेपाल के उपराष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे निर्वाचित किया गया, दूसरे कार्यकाल के लिए नेपाल के उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा उपराष्ट्रपति की बात हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा किशोर
नंदा किशोर पून को दूसरे कार्य के लिए नेपाल के उपराष्ट्रपति के रूप में इनको निर्वाचित किया गया है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ISSF, ध्यान दीजिएगा, ISSF जूनियर विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में महिला 10 मीटर 10 मीटर एयर राइफल आयोजन में स्वर्ण पदक जीता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्बेनिल बेरेलिवन। याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा नाम इन लोग का जो होता है लंबा एंड थोड़ा टेढ़ा ऑड लगता है, लेकिन याद करना भी तो जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद कर लीजिएगा बेलेरिवन, याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, विश्व तपेदिक दिवस 2018 किस दिन मनाया गया। विश्व तपेदिक दिवस 2018 जो है 24 मार्च को मनाया गया, याद कर लीजिएगा, विश्व तपेदिक दिवस 2018 24 मार्च को मनाया गया। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज नंबर है 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC 2018 में किस भारतीय संगठन ने सर्वश्रेष्ठ सूचनात्मक मंडप पुरस्कार जीता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ जो है, भारत का डीआरडीओ जो है डिफेंस का जो है कंपनी, ये जो है आईएससी 2018 जो कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ सूचनात्मक मंडप पुरस्कार जीता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मेघालय में खोजी गई दुनिया की सबसे लंबी सैंडस्टोन गुफा की लंबाई कितनी है। इसको 24.5 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, मेघालय में खोजी गई दुनिया की सबसे लंबी सैंडस्टोन गुफा की लंबाई पूछ देगा तो ये जो है 24.4 किलोमीटर है, ध्यान देने वाली बात है। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकता है कि ये जो है दुनिया की सबसे लंबी सैंडस्टोन गुफा कहाँ है, तो ये मेघालय में पड़ता है दोस्त, ये भी याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता। 2018, ध्यान दीजिएगा, 2018 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स खिताब की बात कर रहा है, तो ये जो जीता है सेबिस्टियन ब्रेटेल ने जो है ये खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक शाखाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली IBPS वालों के लिए, ध्यान दीजिएगा, यूके में जो है भारतीय बैंक शाखाओं की सबसे अधिक संख्या है यूके में। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अंडर 16 फुटबॉल टीम ने जॉकी कप जीता। ध्यान दीजिएगा, किस देश की अंडर 16 फुटबॉल टीम ने जॉकी कप जीता, ये भारत ने जीता है, ध्यान दीजिएगा, भारत देश जो है अंडर 16 फुटबॉल टीम ने जॉकी कप जीता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मिस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2018 खिताब जीतने वाली अलेक्जेंड्रा सिककोवा किस देश से संबंधित है, ठीक है, ये जो है बेरूसलम से संबंधित है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बेरूसलम से संबंधित है। मिस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब जीतने वाली अलेक्जेंड्रा लिसकोवा जो है बेरूसलम से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2018 खिताब किसने जीता, तो ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंड्रा लिसकोवा जो कि जो है बेलारूस से संबंधित है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार 2018 के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। म्यांमार 2018 के नए राष्ट्रपति बिन माइट को चुना गया है, ठीक है, बहुत अपडेटेड न्यूज है, बिन माइट को इन्हें चुना गया है म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत मिशन के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है। आयुष्मान भारत मिशन के इंदु भूषण को चुना गया है, जो है इंदु भूषण जो है आयुष्मान भारत मिशन के सीईओ है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त,
हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसको इसरो के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है अगर देखा जाए तो ये बेंगलुरु में है, तो ये इसरो के किसे होम मेड संचार उपग्रह को, जिसको GSLV F08, ध्यान दीजिएगा F08 रॉकेट वाहन से सफलतापूर्वक कहाँ से लॉन्च किया, ठीक है, कहाँ में लॉन्च किया, ये जो है GSTS-6 में लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको NTA के नाम से जाना जाता है, NTA के नए महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड न्यूज है, इसे नोट डाउन कर लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनीत जोशी जो है NTA के जो है नए महानिर्देशक हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई के कोच पद से इस्तीफा घोषित कर दिया है, ये जो है डेरेन लेहमन जो है ऑस्ट्रेलियाई के कोच पद से इस्तीफा देने का घोषणा किया है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क किस शहर में स्थित है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क जो है अजमेर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहा है दोस्त, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार NFA जिसको शॉर्ट में इसको बोला जाता है, कि केंद्रीय पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये जो है शेखर कपूर साहब जो है एक केंद्रीय 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार NFA के जो है अध्यक्ष के रूप में इनको शेखर कपूर को चुना गया है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने किया नामक भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालक वाट वाइस शुरू किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के साथ किस देश ने वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है फोल ईगल, ध्यान दीजिएगा फोल ईगल शुरू किया है, ये जो है दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया के साथ शुरू किया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि फोल ईगल जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो ध्यान दीजिए देने वाली बात है, अमेरिका एंड साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के बीच जो है फोल ईगल संयुक्त सैन्य अभ्यास स्टार्ट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोकण रेलवे में मौजूदा CMD कौन है, कोकण रेलवे जो है भारत का ही एक पार्ट है, रेलवे का पार्ट है, छोटा एक पार्ट है, जो कि ये इसका CMD की बात करें तो CMD संजय गुप्ता है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्र पुल का निर्माण शुरू कर दिया है, ये चाइना कंट्री जो है दुनिया के सबसे बड़े समुद्र पुल का निर्माण शुरू किया है चाइना ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये पद्मभूषण, ध्यान दीजिएगा पद्मभूषण पुरस्कार से जो है महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सड़क किस राज्य में स्थित है, भारत की सबसे लंबी सड़क की बात होगा दोस्त, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय सेना के साथ रक्षा वेतन पैकेज पर किस बैंक ने समझौता किया है, भारतीय सेना के साथ जो है डिफेंस वेतन पैकेज पे जो है SBI बैंक ने जो है हस्ताक्षर किया है, ध्यान दीजिएगा बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान अमेरिकी त्रिपक्षीय वार्ता किस शहर में आयोजित की गई, नई दिल्ली, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत जापान अमेरिकी त्रिपक्षीय वार्ता जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहो, लास्ट में जो है मैं आप लोग को लास्ट तक बने रहो क्योंकि इसके
क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज है दोस्त, इसलिए लास्ट तक बने रहो तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगा एग्जाम में, ठीक है। और इस चैनल पे जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ उसका डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन करो और वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018 की बात हो रहा है, वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला पदक किसने हासिल किया। ये जो है भारत का पहला पदक पी गुरुराज ने हासिल किया है राष्ट्रमंडल खेल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल में बैडमिंटन फाइनल में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय शटलर कौन बन गया। पीवी सिंधु जो है एशियाई खेल में जो बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने भारत का पहला भारतीय शटलर बन गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। स्मृति ईरानी ने 16 अप्रैल 2018 को होम एक्सपो इंडिया 2018 के सातवें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी 16 अप्रैल 2018 को होम एक्सपो इंडिया 2018 के सातवें संस्करण, ध्यान देने वाली बात है, सेवंथ नंबर का संस्करण जो हुआ इस बार, ये जो हुआ ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। ये जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति करंट में इनामुल मैक्रोन है, ठीक है, इनामुल मैक्रोन, याद कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पुलिस बल के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का नाम है पॉकेट कॉप प्रोजेक्ट, ठीक है, याद कर लीजिएगा, पॉकेट कॉप प्रोजेक्ट का शुरू किया है। ये गुजरात पुलिस ने जो है, ये गुजरात राज्य ने जो है पुलिस बल के लिए प्लेटफॉर्म शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट ग्लोबल मलेरिया शिखर सम्मेलन 2018, ध्यान देने वाली बात है। ग्लोबल मलेरिया शिखर सम्मेलन 2018 जो है यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा, यूके में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में फिल्मांकन को आसान बनाने के प्रयासों के लिए किस राज्य को सबसे अधिक, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में घोषित किया गया है। ये मध्य प्रदेश राज्य को फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फिक्की के नाम से जाना जाता है, कि महासचिव कौन है। महासचिव जो है दिलीप चेनाए है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2018, चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब डेनियल रिकियार्डो ने जीता, ठीक है, डेनियल रिकियार्डो, याद कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हाल ही में आवश्यकता से अधिक छपाई हेतु भारतीय मुद्रा के किस नोट की छपाई पर रोक लगा दिया है, ठीक है। 2000 का नोट पे जो है आवश्यकता से अधिक छपा गया था, इसीलिए उस पे रोक लगा दिया है, आरबीआई ने इसको अभी रोक लगा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मंडपम समाधि स्थल बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, उस समाधि स्थल का नाम है मंडपम समाधि स्थल बनाया गया। यह किस राजनेता का समाधि स्थल है। ये जो है मंडपम समाधि स्थल जयललिता का समाधि स्थल है, जो है तमिलनाडु का पूर्व सीएम रह चुके हैं जयललिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में निपाह वायरस का प्रकोप भयंकर रहा, ठीक है। 2018 में सबसे ज्यादा वायरल अगर हुआ दोस्तों तो ये निपाह वायरस बहुत ही हाईलाइटेड चर्चित न्यूज रहा। यह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संक्रमित रहा, तो ये जो रहा दोस्त केरला राज्य में सबसे ज्यादा निपाह वायरस का प्रकोप देखने को मिला था, ठीक है, याद कर लो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार मरियो अब्दो बेनिटेज, ध्यान दीजिएगा, मरियो अब्दो बेनिटेज ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, ठीक है। ये जो है
पैराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में जो है इनको वहां पे निर्वाचित किया गया है। ये जो है रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किस भारतीय शूटर को हरियाणा के मिसल्स और रूबेला एमआर टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड मिस्टर बनाया गया? गौरी सेरिन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिए गए स्मार्ट शहरों में से कौन सा भारत का पहला शहर बन गया जो दिन के दौरान 100% नवीकरण ऊर्जा उत्पन्न करता है? ये जो है दीप जो है ये भारत का सबसे पहला स्मार्ट शहर बन गया जो कि दिन में जो है 100% नवीकरणीय ऊर्जा जो है ये सोलर प्लेट पे जो है बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुपे कार्ड को भारत के अलावा किस देश में मान्यता प्रदान कर दी गई है? ये रुपे कार्ड को भारत के अलावा सिंगापुर में भी मान्यता प्रदान कर दिया गया है। वर्ष 2018 के 15 में सेमी पंखों वाला विशालकाय मच्छर किस देश में पाया जाता है? ये चाइना में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता? दोस्तों फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब अनुकृति बास ने जीता, याद कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य में से सशस्त्र बलों के विशेष शक्ति अधिनियम को हटा दिया गया है? मेघालय में जो है, पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय में जो है सशस्त्र बल के विशेष शक्ति अधिनियम को हटा दिया गया है। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी है, याद कर लो। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की को किसने मंजूरी दे दी है? ये जो है नीति आयोग CCEA। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को किसने मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर CCEA हो जाएगा। ठीक है, भारत हरमायु शक्ति अभ्यास किस देश के साथ शुरू करेगा? हरमायु शक्ति मलेशिया के साथ शुरू करेगा, याद कर लो। हरमायु शक्ति जो है सैन्य युद्धाभ्यास मलेशिया के साथ, भारत मलेशिया के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तैरने वाला परमाणु संयंत्र रशिया में खोला गया, बहुत हाईलाइटेड एंड चर्चित न्यूज रहा था। ठीक है, याद कर लो। वर्तमान में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, वर्तमान में भारत के सबसे तेज कंप्यूटर की बात हो रहा है दोस्त, यहां पे मिस प्रिंट हो गया, प्रत्यय प्रत्यूष हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यूष याद कर लो, प्रत्यूष। प्रत्यूष हो जाएगा, याद कर लो। भारत वर्तमान में भारत के सबसे तेज कंप्यूटर की बात करें तो प्रत्यूष हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के 15 में प्रदूषित शहर में भारत के कितने शहर को शामिल किया गया? 14 शहर शामिल है भारत का दुनिया के सब 15 में प्रदूषित शहर में। दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहर में भारत का 14 शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक आशा भोसले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद कर लो, पीसी चंद्रा पुरस्कार आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययन में ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन सा पदार्थ हानिकारक पाया गया है? शैवाल जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है बहुत ही हानिकारक पदार्थ पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों को विजन तैयार किया है? अमेरिका के साथ। ठीक है, भारत और अमेरिका देश के साथ जो है भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिन लैंगर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा योजना समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा योजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डाभोल। ठीक है, अजीत डाभोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें बार्सिलोना ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। ठीक है, 11वें बार्सिलोना ओपन टेनिस का खिताब जो है राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा बना है? कारंग द्वीप जो है देश का पहला कैशलेस द्वीप बना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती समान 2017 के लिए किसे चुना गया? सितांशु यश चंद्र को, ठीक है, सरस्वती समान 2017 जो है सितांशु यश चंद्र को चुना गया है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए दर्जा प्राप्त किया है? नेपाल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल देश ने हाल ही में देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए दर्जा प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार मित्तल जी को जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आईसीसी की पहली महिला स्वतंत्र निर्देशक इंदिरा नूई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी राष्ट्रपति के रूप में अगले 6 साल के लिए शपथ किसने लिया? व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है, रूसी राष्ट्रपति के रूप में अगले 6 साल के लिए शपथ व्लादिमीर पुतिन ने लिया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुई पनडुब्बी का नाम क्या है? करंज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुई पनडुब्बी का नाम करंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क वित्त मंत्रियों की 12वीं अनौपचारिक बैठक मनीला में हुआ है, ठीक है, सार्क वित्त मंत्रियों की 12वीं अनौपचारिक बैठक मनीला में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स पहल स्टार खेल महाकुंभ किस राज्य में शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। स्पोर्ट्स पहल स्टार खेल महाकुंभ, उसका नाम स्टार खेल महाकुंभ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? उसका नाम है समीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग कौन है? एनके सिंह। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग है, ठीक है, आयोग के अध्यक्ष है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। अगर 14वें पूछा जाए तो वाईवी रेडी हो जाएंगे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, लेकिन क्वेश्चन है पूछ रहा है 15वें वित्त आयोग तो एनके सिंह है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस राज्य सरकार ने गो टू विलेज, ध्यान दीजिएगा, गो टू विलेज मिशन लॉन्च किया है? मणिपुर। मणिपुर राज्य की सरकार ने गो टू विलेज मिशन लॉन्च किया है। वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार को निलंबित कर दिया है? जो है वर्ष 2018 में साहित्य में जो है नोबेल पुरस्कार को निलंबित कर दिया गया है। 2018 में लोक सेवा परियोजना में महिलाओं के लिए राजदूत के रूप में किसे चुना गया? शवाना आजमी। शवाना आजमी जी को जो है 2018 में लोक सेवा परियोजना में महिलाओं के लिए राजदूत के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस देश ने परमाणु घड़ी विकसित किया है? ये भारत, अपना भारत देश ने जो है परमाणु घड़ी विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया गया है? दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सेशन इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, वहां से आप लोग देख सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, फिगर के साथ में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। निर्मल भारत की बात हो रहा है दोस्त, तो निर्मल भारत का ब्रांड एम्बेसडर अगर है तो ये विद्या बालन है, फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के किस जिले से दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान की खोज किया गया है? केंदुझार जिला जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है, यहां पे दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? उत्तम पछरने। ललित कला अकादमी का अध्यक्ष उत्तम पछरने को बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए रथियु बंधियु योजना शुरू किया है? तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की सरकार ने किसानों के लिए रथियु बंधियु योजना जो है शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक पुरस्कार 2018 के लिए किस उपलब्धि के लिए मिला है?
रोटावॉक टीका के लिए जो है भारत बायोटेक को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार के रूप में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रूपश्री योजना शुरू किया गया है? ये पश्चिम बंगाल राज्य में जो है रूपश्री योजना का स्टार्टिंग हुआ, शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी माउली पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? लता मंगेशकर सिंगर जो है इनको स्वामी माउली पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 में भारत ने किस देश को हराकर अपने नाम किया? ये जो है भारत इसमें विजयी हुआ था, जीता था, वो पाकिस्तान को हरा करके जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2018 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? लुइस हैमिल्टन जो कि 2018 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब इन्होंने जीता है। बिम्स्टेक 2018 की मेजबानी की घोषणा किसने की? केपी शर्मा ओली ने जो है बिम्स्टेक 2018 की मेजबानी की घोषणा इन्होंने ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में भारत ने किस देश में दूसरा आईटी कॉरिडोर खोला? ये जो भारत ने चाइना देश में जो है दूसरा आईटी कॉरिडोर खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि ने 2018 में सबसे समृद्ध सिम कार्ड लॉन्च करने के लिए किस दूर संचार कंपनी के साथ जो है टाई अप किया है? ये BSNL के साथ जो है पतंजलि जो है दोनों मिल करके टाई अप करके एक समृद्ध सिम कार्ड लॉन्च करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राजस्थान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधक मजबूत परियोजना 2018 के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के लिए समझौता किया है? ए 21.7 मिलियन डॉलर, ठीक है, 21.7 मिलियन डॉलर जो है भारत ने राजस्थान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन मजबूत परियोजना 2018 के लिए विश्व बैंक के साथ जो है इतना राशि का जो है ऋण समझौता पे हस्ताक्षर किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल 2018 की विजेता टीम कौन रही थी? इसका इस बार आईपीएल सीजन 2018 का विजेता चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के लिए आधिकारिक प्रतीक घोषित किया है? राज्य के लिए आधिकारिक प्रतीक आंध्र प्रदेश राज्य ने घोषित किया है। हाल ही में भारत के पहले उन्नत डीएनए फोरेंसिक लैब की नींव किसने रखी है? मेनका गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेनका गांधी ने भारत के पहले उन्नत डीएनए फोरेंसिक लैब की नींव रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ किसने लिया है? रंजन गोगोई जी ने जो है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए नए नियुक्त सचिव का नाम क्या है? अमित खरे जो है 2018 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियुक्त सचिव के रूप में इनको नियुक्ति हुआ है, अमित खरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पेड्रो सांचेज ने स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में किस भारतीय निशानेबाज ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ शर्मा ने जो है ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाज है सौरभ शर्मा, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता है? इंडिया ब्लू। इंडिया ब्लू ने जो है दिलीप ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने नई रेपो रेट कितने प्रतिशत तय किया है? 6.25% करंट रेपो रेट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 29/10/2018 के लिए। ये अभी करंट, दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं, जितना भी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है ये कुछ दिन के लिए वैलिड होता है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद इसमें से कुछ जो है ऑप्शन चेंज दिखने को मिलेगा। अगर 29/10/2018 के बाद अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, कुछ जो है ऑप्शन आंसर जो है चेंज आपको दिखेगा, क्योंकि नियुक्तियां और कुछ भी चेंजेस हो सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नाडा। जगत प्रकाश नाडा भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 98, पहला नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन 2018 किस राज्य में आयोजित किया गया? काठमांडू में जो है आयोजित किया गया पहला नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन, काठमांडू में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगत सिंह जेल डायरी पुस्तक किसने जारी किया? बहुत इंपॉर्टेंट चर्चित पुस्तक है, याद कर लीजिएगा। हाल ही में भगत सिंह जेल डायरी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है भगत सिंह जेल डायरी पुस्तक, किसने जारी किया? रविशंकर प्रसाद ने जारी किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, 100 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिकेट इतिहास में 1000 टेस्ट मैच खेलने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट इतिहास का 1000 टेस्ट मैच खेलने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम है इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप इस वीडियो सेशन को एंजॉय किए हुए होंगे, इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर करो ताकि हर किसी को फायदा हो सके, ठीक है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जितना जल्द हो सके सब्सक्राइब कर लो, घंटी का बेल आइकन को जरूर दबा लो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ कल जो है यानी 30/10/2018 को कंटिन्यू जो है हम लोग रेलवे CVT 2 का जो सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसमें Part 6 वीडियो जो है कल अपलोड होगा। आप लोग इस चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।